Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan, and the topic in hand is Punjab Labor Policy 2018 and its focus on improving enforcement through revamping inspection. Punjab Labor Policy, jo hai, wo is focused on this, कि लेजिस्लेशन के, के ज़रिए से जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं जो रूल्स ऑफ लॉ बनाए जाते हैं क्या वो वर्क प्लेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसके लिए जो इंस्पेक्शन का सिस्टम है उसको रीवैम्प करना ज़रूरी है तो माय डियर स्टूडेंट्स कहा ये जाता है कि जो लेबर इंस्पेक्शन है ये रियल स्पिरिट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके बगैर रॉबस्ट और एफिशिएंट इंस्पेक्शन मैकेनिज्म जो है वो फ्रूटफुल और बेहतर रिजल्ट्स बरामद नहीं कर सकता माइड स्टूडेंट्स जो लेजिस्लेशन है वो कानून साजी है रूल्स बनते हैं प्रिंसिपल्स बनते हैं डॉक्टर जो हैं वो लॉज की शक्ल में सिविलाइजेशन को लेके आती हैं और अगर आपके पास प्रॉपर इंस्पेक्शन का सिस्टम नहीं है तो लेजिस्लेशन का जो फ्रूट है वो वर्कर्स और इंप्लायर्स और सोसाइटी को मिल नहीं सकता नाउ व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड इंस्पेक्शन इट मींस माय डियर स्टूडेंट्स चेक और सिक्रूटनी एटसेट्रा एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली प्रैक्टिकल मैनेजमेंट रॉबस्ट का जो मतलब है वो है स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुल और एफिशिएंट का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्पिटेंट माय डियर स्टूडेंट्स जो एग्जिस्टिंग स्नैक्स हैं या बॉटल नेक्सनैक्स हैं वो इंस्पेक्शन सिस्टम में वो क्या है वो भी देखते हैं स्नैक्स किसको कहते हैं स्नैक्स का मतलब है प्रॉब्लम्स और बॉटल वो जगह हैं जहां पर बहुत मामूली मार्जिन है परफॉर्म करने का तो कहा जाता है कि अगर आप इंस्पेक्शन सिस्टम को जो लेबर इंस्पेक्शन का सिस्टम है उसको अलाइन कर लें आईएलओ के कन्वेंशन नंबर एटी वन से तो थ्रू स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसीजर्स रेगुलेशंस एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट इंस्पेक्शन का सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है जो पंजाब की लेबर पॉलिसी है वो बेसिकली फोकस करती है ट्रांसपेरेंसी पे इंस्पेक्शन जो है वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए जो सुपरवाइजरिंग रोल है इंस्पेक्टर्स का वो क्रिएट होना चाहिए और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो क्रिएट होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स इंस्पेक्शन का जो सिस्टम है इसके लिए नए प्रोसीजर्स बनने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि जो इंस्पेक्शन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके और उसके जो फ्रूट्स हैं जो रिज़ल्ट हैं वो सोसाइटी तक और लेबरर्स तक और वर्कर्स तक और एम्प्लॉयर्स तक या दूसरे स्टेक होल्डर्स या पार्टनर्स तक पहुंच सकें इस ज़िमन में ये जो हमारी पंजाब की लेबर पॉलिसी है ये फोकस करती है कि ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है कि नेरी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर इक्वपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो लेबर इंस्पेक्शन मशीनरी को अवेलेबल की जा सके इसके अलावा पॉलिसी ऑबजेक्टिव ये भी है कि ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम जो है वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इस्टेबलिशमेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाया जा सके ताकि लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इंस्पेक्शन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके इसके अलावा जो पॉलिसी ऑबजेक्टिव ये भी है विद रिगार्ड इंस्पेक्शन के इस्टेब्लिश किए जाए फील्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर एट तहसील लेवल जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है विद रिगार्ड टू द इंस्पेक्शन सिस्टम कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ऑफिशियल्स की जो इंस्पेक्शन से रिलेटेड हैं थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेस जो कि प्रोविंस में करवाए जाएं, कंट्री में करवाए जाएं या बाहर के ममालिक में करवाए जाएं। इसके अलावा इंस्पेक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है सोशल पार्टनर्स को ताकि बेहतर इंस्पेक्शन क्रिएट की जा सके इसके अलावा माइग्रेड स्टूडेंट्स एक स्ट्रॉन्ग चेक और बैलेंस का मैकेनिज्म फॉर इंस्पेक्शन स्टाफ होना चाहिए ताकि नेसेसरी चेक एंड बैलेंस के सिस्टम से इंस्पेक्शन का सिस्टम स्ट्रांग हो और जो लेबर लॉज हैं उसका फ़ायदा सारे स्टेक होल्डर्स तक पहुँचे होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इंडीड